हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम दो बैग्स लेके आए हैं जो कि सारे ही इवेंट्स फ़ोटोग्राफर्स के लिए यूज़फुल हैं। बेसिकली ये दो स्टाइल के बैग्स हैं। एक है अपना मैसेंजर स्टाइल बैग जो शोल्डर पे लगता है और जो साइड में टंगता है, और दूसरा है ट्रेडिशनल टाइप का बैकपैक। और ये दोनों एक ही ब्रांड के हैं जिसका नाम है जेलियट। ये चाइनीज़ ओरिजिन की कंपनी है और इसकी जो क्वालिटी है लोप्रो जैसी है, लेकिन जो इसका प्राइस है लोप्रो से कम है। और डिज़ाइन भी जो इसका है, इसने ऑलमोस्ट पॉपुलर ब्रांड जितने भी हैं लोप्रो वैनगार्ड उसके उनसे इंस्पायर होके ही या कॉपी होके आप कह सकते हैं उनसे करके ही अपना सिमिलर प्रोडक्ट बनाया है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ दोनों बैग्स और फिर एंड में इनकी प्राइसिंग बता दूँगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैसेंजर बैग जिसका मॉडल है हीरो 666। ये है हमारा पहला बैग जिसका मॉडल है हीरो 666। और इसके जो शेप आप देख सकते हैं मैसेंजर शोल्डर बैग जैसी है, कॉम्पैक्ट साइज़ में है, तो ये आइडियली आपका मिररलेस कैमरा के लिए सूटेबल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल एक बॉडी और चार लेंस अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा। और इसमें एक्स्ट्रा पैडिंग भी है, अगर आपकी लेंसेज कम है तो आप उसको एडजस्ट करके एक्सेसरीज डाल सकते हैं या और कोई चीज़ें जैसे फिट वो सब रख सकते हैं, फ्लैश, LEDs। यहाँ पे लैपटॉप इसमें नहीं आएगा क्योंकि कॉम्पैक्ट बैग है। टैब इसमें आ जाएगा 10 इंच तक का, नहीं तो आप इसमें LED रख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो पैडिंग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इंडियन मेड बैग से अच्छी है। और ये इसका शोल्डर स्ट्रैप है, शोल्डर स्ट्रैप इसका जो यहाँ पे अटैच हो जाएगा साइड में जो दी गई है जगह, यहाँ पे इसका शोल्डर स्ट्रैप अटैच होके फिर आप इसको शोल्डर पे टांग सकते हैं। और जो आगे की तरफ है इसकी, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉकेट्स दी हैं कार्ड्स और फिल्टर्स वगैरह के लिए, इधर भी पॉकेट्स दी गई हैं एक्स्ट्रा आगे आप जी, तो काफ़ी सामान आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे भी इसका एक कंपार्टमेंट है, इसमें भी आप कुछ सामान रख सकते हैं जैसे छोटा मोटा एक्सेसरीज वगैरह। और ये इसका जो क्लिप है ये अच्छी क्वालिटी का है, डिसेंट प्लास्टिक बेस में इन्होंने थोड़ा लेदर दिया हुआ है और चार आपके प्लास्टिक के वो दिए हैं बेस, जिससे आपका बैग मॉइस्चर से ख़राब ना हो, नीचे घिस के ख़राब ना हो, तो अच्छा डिज़ाइन है काफ़ी। अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, प्राइसिंग इसकी है सिर्फ 3200 रुपीज़। तो ये मैसेंजर बैग आपका जो है मेरे हिसाब से जो भी स्ट्रीट फोटोग्राफी करता है उसके लिए सही है या जो इवेंट्स करता है उसके लिए सही है, जिसको जो अपना सामान एक जगह पे छोड़ नहीं सकता, तो हर टाइम आपके शोल्डर पे बैग रहेगा और इसको पहन पहन के आप शूट कर सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो और एक राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड क्रॉस भी आप इसको करके पूरा यूज़ कर सकते हो। और बस इसमें एक ही चीज़ की जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जैसे वैनगार्ड का था उसमें टॉप एक्सेस था, इसमें टॉप एक्सेस नहीं है, लेकिन फिर इसकी प्राइसिंग भी कम है उस हिसाब से। दूसरा बैग है, ये है आपका बैकपैक स्टाइल। इसका डिज़ाइन काफ़ी जाना पहचाना सा है, अगर आपने लोप्रो का प्रो रनर 350 देखा होगा तो ये ऑलमोस्ट उसका रेप्लिका है। इसमें आगे ट्राईपॉड लग जाएगा और ट्राईपॉड की बेस के लिए इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ट्राईपॉड आपका सेंटर में आ जाएगा और इसके अंदर एक क्लिप्स के थ्रू अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो इस जगह में आपका रेन कवर है जो पूरे बैग को कवर कर लेगा, ये सेफ्टी क्लिप्स हैं कि आपका बैग कोई खोल ना ले। यहाँ से आपके आपका ये बैग खुल गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जगह है, एक बॉडी उसके साथ दो बॉडी भी आ जाएंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आप एक बॉडी रखते हैं उसके साथ दो फ्लैशेज, छः लेंसेज या और टेलीफोटो लेंस भी आ जाएगी आपकी 70-200, जो कि उस बैग में इतनी स्पेस नहीं थी। और इसमें नेट के लिए कवर भी दिया हुआ है कि इमीडिएटली गियर खोलते गिरे ना सेफ्टी के लिए, बाकी नायलॉन का सारा बैग है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी पॉकेट्स हैं, यहाँ पे कार्ड की पॉकेट है, ये भी यहाँ फिल्टर्स वगैरह आ जाएंगे।
काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ये। मैश के आपके वो हैं पॉकेट्स, तो ये भी ड्यूरेबल हैं काफ़ी। और जो टॉप है, टॉप पे इसका यहाँ पे हैंडल दिया गया पकड़ने के लिए। और जो ज़िपर हैं इसके भी वाटरप्रूफ वाले हैं सारे, तो रेन्स का मतलब वाटर जितनी आसानी से नहीं जाएगा इसके अंदर। ये हो गया बंद। अब इसकी बैक साइड देखते हैं। बैक साइड में इसका जो स्ट्रैप है काफ़ी अच्छी पैडिंग है, मोटे स्ट्रैप हैं जो वेट ले लेंगे, क्योंकि भारी हो जाएगा आपका स्ट्रैप। बैग जब भारी हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, इसमें कैमरा गियर 20-25 किलो हो ही जाता है सारा सामान मिला के, तो आपको थकान कम होगी। और इसमें ये वेस्ट स्ट्रैप भी दिए गए हैं कि अगर भाई वेट ज़्यादा कंधों पे आ रहा है तो इन स्ट्रैप्स को आप वेस्ट पे लगा के और सपोर्ट मिल जाता है, और उससे फिर प्रोटेक्शन भी होती है, कोई बैग लेके छीन के नहीं जा सकता आपसे, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सब कुछ होता है। तो ये इसकी बैक है, और इसकी बैक साइड में ही आपका लैपटॉप कंपार्टमेंट है इधर, जिसकी ज़िपर यहाँ से खुलती है। इधर आपका 15.5 इंच तक का लैपटॉप आ जाएगा। इधर भी सेफ्टी क्लिप्स दिए गए हैं कि भाई अगर कोई जल्दबाजी में आपका लैपटॉप निकालना ले तो ये क्लिप खोले बिना ही खोलेगी नहीं ज़िप। ये क्लिप्स दिए गए हैं सेफ्टी के लिए। बाकी साइड में इसका जो है, यहाँ पे भी आप कोई स्टैंड वगैरह लगा सकते हैं या वाटर बॉटल लगा सकते हैं। साइड में भी इसका सिस्टम दिया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं नेट दी गई है जो नॉर्मली हर बैग में होता है। और इसका क्या रहेगा, लास्ट रहेगा बेस। बेस में इन्होंने भी यहाँ पे भी प्लास्टिक के वो लगा रखे हैं प्रोटेक्टर, ताकि नीचे से बैग मॉइस्चर ना पकड़े और गले ना फटे ना। तो अच्छा डिज़ाइन है ओवरऑल। अब इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की। इसका जो प्राइस है वो है 5,000 रुपये। तो ये दोनों जेलियट के बैग्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। मेन बेनिफिट इसका यही है कि इसकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइसिंग कम है, और आगे भी इसमें एक पॉकेट है, ये तो हमारी रह गई, एक पॉकेट यहाँ पे भी है, इधर भी काफ़ी सामान आ जाएगा जैसे लोप्रो में थी। इसमें भी आपका पासपोर्ट वासपोर्ट या कोई भी एक्सेसरीज, क्योंकि इसमें पैडिंग नहीं है तो वैसी चीज़ें आप रख सकते हैं जो टूटने का, जिसमें रिस्क ना हो या जिसका केस ऑलरेडी हो, यहाँ भी एक पॉकेट है। तो हम बात कर रहे थे जेलिएट की, तो जेलिएट में आपको कम प्राइस के अंदर ही डिसेंट क्वालिटी के बैग मिलते हैं, और एज़ कम्पेयर टू लोप्रो और वैनगार्ड। बाकी हम तो सारे ब्रांड्स ही बेचते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको इस बैग की रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। प्राइसिंग मैंने आपको बता ही दी है। तो बाकी कहना चाहूँगा जो हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।